मुंबई महिला कांग्रेस की अध्यक्षा होने के नाते मैं मेरी प्यारी बहनों को जो कोने कोने से आज यहाँ पे उपस्थित हुई उनका बहुत बहुत आभार मानती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और आज का कार्यक्रम अगर सफल हुआ है तो उसके पीछे मेरी मुंबई महिला कांग्रेस की सभी जो मेरी कमेटी थी, ऑफिस बेयरर्स हैं, मेरे साथ बैठी हुई हैं सारी, मेरी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी स्मिता चौधरी जी, मेरी मुंबई की सेक्रेटरी सुरेखा पाटिल जी, मेरी वाइस प्रेसिडेंट फरजाना बक्कल जी, अनिशा जी, सुशीला जयसवाल जी, और जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी पूरी कमेटी है, ये सारे लोगों ने बहुत मेहनत की। हमने एक कॉन्सेप्ट लेके आए मुंबई में कि अगर हमको महिला का सत्कार करना है तो वो उस महिला का सत्कार करना है जो एक साधारण घरेलू महिला है, उसका टैलेंट हमको लाना है बाहर और उसको ये प्लेटफॉर्म में सम्मानित करना है। ये हमारा उद्देश्य था, ये हमारी प्लानिंग थी और हम पूरी तरह उसमें सफल हुए। आज जो विनर्स यहाँ पे आए हैं उन्होंने हर जिले से कॉम्पिटिशन्स में भाग लिया, रंगोली कॉम्पिटिशन में महिला सशक्तिकरण की विचारधारा को अपने रंगोली के द्वारा प्रदर्शन किया, उसी तरह आज की स्त्री और ऐसे टॉपिक्स के अपने एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन्स में उन्होंने भाग लिया। मेन हमारा उद्देश्य था कि महिलाएं भाग लें, अपने दिल की धड़कन को खोलें और अपना टैलेंट बाहर लाएं। तो आज हमने आज दो प्रकल्प और ट्रेनिंग चालू की, एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग जो बहुत ज़रूरी है आज मुंबई में और इस देश में जो सरकार है, निकम्मी सरकार, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, जिन्होंने महिलाओं का न सम्मान दिया न उनको सुरक्षा दिया, आज महिला कांग्रेस की तरफ से और मुंबई कांग्रेस की तरफ से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमने सेल्फ ट्रेनिंग के क्लासेस कैंप्स चालू कर दिए और उसी तरह महिलाओं को फाइनेंशियली मजबूत करने के लिए हमने रोज़गार भी महिलाओं को देने की शुरुआत की है। इस माध्यम से वो सेल्स एग्जीक्यूटिव पदवी उनको मिलेगी और वो जाके अपना प्रोडक्ट बेचेंगी और अपना घर को मजबूत बनाएगी, आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत बनाएगी। तो महिला कांग्रेस हर उस महिलाओं के कठिन परिस्थिति में शामिल होना चाहती है जिसमें वो अपने आप को अकेले देख रही है। आज आपने देखा कि यहाँ पे जो फंक्शन था उसमें जो अवार्ड्स दिए गए उसमें एक कंसेप्ट लेकर हम आए थे, हमारी टीम कंसेप्ट लेके आई थी महिला कांग्रेस की, लाडकी लेक अभियान, जिसमें पेरेंट्स को और लड़की को दोनों को सम्मानित किया क्योंकि पेरेंट्स ने अपने गरीबी सिचुएशन में भी अपनी लड़की को पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया। रोबोटिक इंजीनियर को हमने आज यहाँ पे अवार्ड दिया। उसी तरह एक मामूली रिक्शा वाली जो विधवा है जिसके हस्बैंड गुजर गए लेकिन आज वो कांदिवली में रिक्शा चलाती है, अपना पेट पालती है और सम्मान से अपना काम करती है, तो ये महिलाओं का सम्मान है। आज इस महिला दिवस के अवसर पर हम इस सभी को सम्मान कर सके हैं और मुझे आपके माध्यम से ये कहना है कि आने वाले चुनाव में 2022 का जो चुनाव है, हम महिला कांग्रेस के यहाँ पे उपस्थित कार्यकर्ता हो चाहे आने वाले पीढ़ी के नगर सेवक हो, हम चाहते हैं कि हमारी महिला कांग्रेस हर कोने कोने में हम उनको सशक्त बनाएं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस का झंडा उठा के महापालिके में उस झंडे को, उस तिरंगे को जिताकर दिखाएं, महापालिके में हमारी महिला कांग्रेस नगर सेविका बने, ये हमारा उद्देश्य है। उस उद्देश्य को लेके हम आगे जा रहे हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम हर महिला को वो ताकत देंगे क्योंकि हमारे अध्यक्ष आदरणीय एकनाथ गायकवाड़ जी हैं जिन्होंने महिला कांग्रेस को बहुत सम्मानित किया है, बहुत सपोर्ट किया है। हमारी आदरणीय, आपने देखा, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सुष्मिता देव जी दिल्ली से यहाँ आई है ऐसे महिलाओं का सम्मान करने। और वर्षाताई गायकवाड़, आज एक बेटी है हमारे एकनाथ गायकवाड़ की बेटी, आप देख सकते हो कि एक पिता ने अपनी बेटी को कितना आगे बढ़ाया है और ऐसे ही बेटी हम महिलाओं के लिए आज पहली शिक्षा मंत्री बनी है, गर्व की बात है। हमारे आदरणीय वर्षाताई का नेतृत्व लेके हम पूरे मुंबई में महिला को सशक्त बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे और इतना ही नहीं हर उस काबिल में मुकाबला करने के लिए झांसी की रानी बनाएंगे। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है।
महिला हर एक वो चीज़ कर सकती है जो मुमकिन नहीं है। आज हमने महिलाओं को निकाला तो एक प्रेम से निकाला, एक भाव से निकाला, एक प्यार से निकाला और एक विश्वास दे के निकाला कि जो भी इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं ये आपकी महिला हैं। आप रात में भी अगर उनको कॉल करोगी तो ये महिलाएं आपका फ़ोन उठाएंगी और आपका काम करेंगी। आज अगर यहाँ महिलाएं आई हैं तो उनको